बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड टुडे वीडियो लेक्चर वी विल कवर सर्कट थ्योरम्स। ये हमारे पास चैप्टर 4 हैं बाय अलेक्जेंडर बुक 5th एडिशन फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी यूज सर्कट थ्योरम्स एंड व्हाई नॉट KVL एंड KCL। एज वी नो द मेजर एडवांटेज ऑफ एनालाइजिंग सर्किट यूजिंग KVL एंड KCL इज दैट वी कॉन्ट चेंज और वी कॉन्ट टेम्पर द सर्किट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। हम सर्किट को चेंज नहीं करते बल्कि उसके ओरिजिनल कन्फिग्रेशन के हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन मेजर डिसएडवांटेज क्या था KVL और KCL अप्रोच का कि हमारे पास कंप्यूटेशंस जो हो ज़्यादा या कम्प्लेक्स सर्किट के लिए जब आप कोई कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आपको गुजरना पड़ता है TDS कंप्यूटेशन के साथ और फिर उनको उस किस्म के कम्प्लेक्स सर्किट को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस कम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए हमारे पास सर्किट थ्योरम्स यूज़ होते हैं और ये सर्किट थ्योरम हमारे पास सुपरपोजिशन थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम के फॉर्म में हैं एंड दीज थ्योरम्स कैन बी अप्लाई आर एप्लीकेबल फॉर लीनियर सर्किट्स। सो वॉट इज लीनियर सर्किट? अ लीनियर सर्किट इज़ वन हुज आउटपुट इज लीनियरली रिलेटेड टू इट्स इनपुट। वो आपके पास क्या कहलाता है? लीनियर सर्किट कहलाता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को या सुपरपोजिशन थ्योरम को जो कि इन सर्किट थ्योरम में हम फर्स्ट सॉल्व करते फिर हम जाएंगे थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम की तरफ सीक्वेंस में। सो वॉट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आर सुपरपोजिशन थ्योरम? द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन अ लीनियर सर्किट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस दैट एलिमेंट ड्यू टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक्टिंग अलोन। अगर आपके पास किसी सर्किट के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं तो आप क्या करते हैं कि आप हर एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट या के हिसाब से आप वैल्यूज फाइंड करते हो फिर आप एट द एंड सबको सम करते हैं। आपको दो तीन चीज़ें जहन में रखनी होगी बिफोर सॉल्विंग एनी सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यू नीड टू कंसिडर वन इंडिपेंडेंट सोर्स एट अ टाइम वाइल अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज शुड बी टर्न ऑफ। मीन्स यू कैन रिप्लेस वोल्टेज सोर्सेज बाय 0 volt एंड करंट सोर्स बाय 1 volt। हाउएवर डिपेंडेंट सोर्सेज आर लेफ्ट बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाई अदर सर्किट वेरिएबल्स। आसान अल्फाज में ऐसा है अगर आपके पास किसी सर्किट के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हैं या डिपेंडेंट सोर्सेज हैं और कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो डिपेंडेंट सोर्स को तो आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे उसको आप ओरिजिनल हालत में ही रखेंगे। वी डोंट नीड टू टर्न ऑफ और टर्न ऑन डिपेंडेंट सोर्सेज। अब जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं मिसाल के तौर पर इस सर्किट में हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं एक 4 एम्पियर का करंट सोर्स है और दूसरा हमारे पास वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम लेट्स सपोज 2 हैं हमारे पास 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इस एग्जांपल में हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। सबसे पहले हम एक को ऑफ करेंगे इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और हम लेट्स सपोज अगर हमने इस सर्किट में आई नॉट फाइंड करना है तो हम 4 एम्पेयर के थ्रू मल्टीपल फाइंड करेंगे आई नॉट लेट्स सपोज को हम आई नॉट डैश कह देते हैं। फिर सेकंड में हम ये करेंगे कि हम इस इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ कर देंगे और फिर इस इंडिपेंडेंट सोर्स के अगेंस्ट हम दोबारा से लेट्स सपोज आई नॉट डबल डैश हम कह दें हम सॉल्व कर देते हैं और एट द एंड हम आई नॉट क्या करेंगे आई नॉट इक्वल टू आई नॉट डैश प्लस आई नॉट डबल डैश। सो इस हवाले से आप हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स के अगेंस्ट आप करंट फाइंड करेंगे और बाकियों को आप ऑफ रहने देंगे। तो ये हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सो कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपने ये करना है टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक्सेप्ट वन सोर्स एंड देन फाइंड द आउटपुट। अगर लेट्स सपोज 5 है तो सबसे पहले एक को ऑफ कर दे 4 को ऑफ करें और एक को ऑन करें फिर तीसरे को ऑफ करें सेकंड को ऑफ करें फिर फर्स्ट को ऑफ करें तो इस तरह आप सबको वन बाय वन ऑफ करेंगे और आप आउटपुट फाइंड करेंगे। एट द एंड आप सारे आउटपुट जितने भी आपने इंडिपेंडेंटली फाइंड किए इसको आप ऐड करेंगे फाइंड द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एडिंग। अच्छा रिपीट स्टेप 1 फॉर ईच इंडिपेंडेंट सोर्स हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए आप वन बाय वन ऑफ करें और आप
दोबारा से आउटपुट फाइंड करें, और एट द एंड आपने क्या करना है, टोटल करना है। हाउएवर यू आप डिपेंडेंट सोर्सेस को कुछ नहीं कहेंगे, उसको आप अपनी हालत में रहने देंगे। सो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ये एग्जांपल, फाइंड आई नॉट इन दिस सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, जो सर्किट हमारे पास सामने है। सो चूंकि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, एक 4 एम्पियर है, एक 20 वोल्टेज है, और हमने फाइंड क्या करना है आई नॉट, तो हमारे पास आई नॉट की वैल्यू इक्वल होगी आई नॉट डैश प्लस आई नॉट डबल डैश। अगर तीन होते तो फिर आप आई नॉट तीसरा डैश भी लगा दे, और इस तरह सो ऑन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 वोल्ट को ऑफ करेंगे और आई नॉट डैश फाइंड करेंगे। सेकंड में हम 4 एम्पियर को ऑफ करेंगे और हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। इन द एंड हम दोनों को सम ऑफ करेंगे, वी कैन इजीली गेट आई नॉट। हम क्या करते हैं, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो इसमें मैंने ऑलरेडी सर्किट में इसको कर दिया, और बाकियों को आप अपनी जगह पे ही रहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कि लेट सपोज इसको मैं कह देता हूँ आई वन, ये मेरे पास है आई टू, और ये मेरे पास है आई थ्री। जिस तरह हमने पहले कहा कि अगर हमने लेट सपोज यहाँ पे आई नॉट है और हमने आई नॉट को ही फाइंड करना है, तो आई नॉट इक्वल टू आई नॉट डैश प्लस आई नॉट डबल डैश, ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसको मैं ए कह देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि आई वन तो हमारे पास डायरेक्टली 4 एम्पियर के बराबर है, क्योंकि यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि इसमें सिर्फ आई वन जो है वो 4 एम्पियर ही है, तो ये हमारे पास लगता है इक्वेशन वन है। इक्वेशन टू को सॉल्व करते हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया ये लूप वन है, लूप टू अगर आप कंसिडर करें, केवीएल अगर आप अप्लाई करें, सो ये आपके या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया थ्री आई टू, क्योंकि इस लूप में आप हैं आई टू माइनस आई वन, सो आई टू माइनस आई वन। बुक के अंदर उन्होंने डिटेल के साथ सॉल्व नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली आंसर ही लिखे हैं। सो थ्री आई टू माइनस आई वन, फिर आपके पास प्लस टू आई टू, फिर जब आप इस यहाँ पे तो माइनस पहले, सो माइनस फाइव आई नॉट डैश, और फिर प्लस ये लूप आई टू माइनस आई थ्री, आई टू माइनस आई थ्री इक्वल टू ज़ीरो। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो ये हो गया थ्री आई टू माइनस थ्री आई वन प्लस टू आई टू माइनस फाइव आई वन डैश प्लस आई टू माइनस आई थ्री इक्वल टू ज़ीरो। सो आई टू आपके पास एक ये है, ये है, एक ये है, आई वन आपके पास सिर्फ ये है। सबसे पहले हम माइनस थ्री आई वन लिख देते हैं, प्लस थ्री फोर फाइव सिक्स आई टू, फिर आपके पास माइनस आई थ्री और माइनस फाइव आई नॉट डैश इक्वल टू ज़ीरो। सो ये इक्वेशन हमारे पास है, लेट सपोज लूप टू की जो हमारे पास इक्वेशन आए, ये इक्वेशन जिसको हम इक्वेशन टू ही कह देते हैं। फिर आप लूप थ्री की तरफ जाएं, लूप थ्री को अगर हम कंसिडर करें, सो यहाँ से स्टार्ट करें, फाइव आई थ्री माइनस आई वन, इसके पास प्लस आई थ्री माइनस आई टू, इस रजिस्टर के क्रॉस, और प्लस क्योंकि हम इस साइड से कंसिडर करें प्लस फाइव आई नॉट डैश, और ये हमारे पास है प्लस फोर आई थ्री इक्वल टू ज़ीरो। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया फाइव आई थ्री माइनस फाइव आई वन प्लस आई थ्री माइनस आई टू प्लस फाइव आई नॉट डैश प्लस फोर
I3 इक्वल टू ज़ीरो। सो आपके पास I1 सिर्फ ये है, सबसे पहले हम -5 I1 लिख लेते हैं, फिर आपके पास I2 भी सिर्फ एक ही है -I2, I3 आपके पास 5 I3 6 I3 और आपके पास 4, सो +10 I3 +5 I0 इक्वल टू 0। सो ये आपके पास है इक्वेशन 3। हमने तीनों लूप्स का अगेंस्ट इक्वेशन फाइंड कर लिए, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप इस नोट को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे तो I3 आ रहा है, यहाँ पे I0 आ रहा है और ये I1, तो इसके थ्रू हम कुछ वैल्यूज फाइंड करके इनमें पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें पहले पता है कि I1 की वैल्यू 4 एम्पियर है, सो I1 की वैल्यू वैसे भी 4 एम्पियर है वो हमें पता है। तो यहाँ से देखें कि हमारे पास, क्योंकि ये दो एंटर हो रहे हैं, ये लीव कर रहे हैं, तो I3 +I0 इक्वल टू I1 और I3 किसकी इक्वल है, अगर हम इसको देखें तो I3 इक्वल टू I1 -I0 और I3 इक्वल टू I1 के वैल्यू हमें पता है कि वो 4 एम्पियर है, तो 4 -I0। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इसको मैं कुछ भी कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ, 2A कह देता हूँ सपोज। सो एक हमारे पास है कि I1 इक्वल टू 4 एम्पियर और I3 इज इक्वल टू, इसको मैं 1A कह देता हूँ, और हमारे पास I3 है 4 -I0। तो इन इक्वेशन को हम अब पुट करेंगे, जितने भी हमारे पास लूप की इक्वेशन है 2 में और 3 में हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हम दो इक्वेशन हमारे हमें मिलेंगे और फिर उसको सॉल्व करके हम I0 डैश की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन में 2 में वैल्यू पुट करने से क्या बनेगा, ये -3, I1 की वैल्यू क्या है 4 +6, I2 -I3 की वैल्यू क्या है, I3 की जगह हम पुट करेंगे -4 -I0 और -5 I0 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे -12 +6 I2 -4 -I0 -5 I0 इक्वल टू 0, बेसिकली I0 ही है, I0 क्योंकि हम पहले के लिए फाइंड करें इसलिए हमने इसको I0 रखा है, दूसरे के लिए I0 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 3 I2 -2 I0 इक्वल टू 8, सही। फिर हम इन दो वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, सो इक्वेशन 3 में पुट करने से क्या बनेगा, ये बन गया -5 × 4 -I2 +10 I3 की वैल्यू 4 -I0 +5 I0 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है I2 +5 I0 इक्वल टू 20। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक ये है और एक हमारे पास ये इक्वेशन है, ये फर्स्ट के। तो अगर आप यहाँ पे लिख दें 3 I2 -2 I0 इक्वल टू 8 और ये है I2 +5 I0 इक्वल टू 20। अच्छा, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर हम इससे माइनस करें, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई ये क्या बन जाएगा, 3 I2, ये 15 बन गया और ये बन गया हमारे पास 60। इसको माइनस और इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये क्या बन गया, -17 I0 इक्वल टू
माइनस 52 और आई नॉट इक्वल टू, जिसको हम आई नॉट डैश बेसिकली कहते हैं, ये है माइनस 52 बाई 70 एम्पियर। तो माइनस माइनस हमारे पास क्रॉस हो गया, तो आई नॉट डैश इक्वल टू 52 बाई 17 एम्पियर। तो हमने तो आई नॉट फाइंड कर दिया। अब आई नॉट डबल डैश फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने 4 एम्पियर को ऑफ करके दूसरे को हमने ऑन रखना है। अब हम हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तीसरे में हमने ये करना है कि हमने इसको ऑफ रखना है और इसको हमने ऑन रखना है और फिर हमने फाइंड करना है वैल्यूज। तो हम यहाँ पे अब क्या फाइंड करेंगे, आई ना डबल डैश के वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब इसको अगर मैं कह दूं आई नॉट की वैल्यू मेरे पास है 52 बाई 17, सो इस दफ़ा में ये मेरे पास हो गए i4, लेट्स इसको ज़ूम कर देते हैं, और ये मेरे पास है i5, और ये आई नॉट डबल डैश क्योंकि अब हमने फाइंड करना है ये आई नॉट डबल डैश को। सो इसके क्रॉस देखें लूप 4 इसको हम कह देते हैं, ये किसके इक्वल है, 3i4 प्लस 2i4 माइनस 5i0 डबल डैश प्लस i4 माइनस i5 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, 6i4 बन जाएगा माइनस 5i0 डबल डैश प्लस i4 माइनस i5 सॉरी 3 2 5 इक्वल टू 0। सो i4 एंड i6 बन गए ये माइनस 5i0 डबल डैश माइनस i5 इक्वल टू 0। इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो 6i4 माइनस i5 माइनस 5i0 डबल इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास लूप 4 के अगेंस्ट आ गया। लूप 5 के अगेंस्ट अगर हम फाइंड करें तो इसको देखिए, लूप 5 के अगेंस्ट ये हमारे पास बन गया। अब लूप 5 के अगेंस्ट देखें तो ये यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं, माइनस 20 प्लस 5i5 प्लस 1 के अगेंस्ट क्या बन जाएगा, i5 माइनस i4 प्लस 5i0 डबल डैश इक्वल टू 0। सो माइनस 20 प्लस 5i5 प्लस i5 माइनस i4 प्लस 5i0 डबल डैश इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस i4 प्लस 10i5 माइनस 20 प्लस 5i0 डबल डैश इक्वल टू 0। तो ये लूप 4 के अगेंस्ट आया था, 4a में कह देता हूँ इसे, और ये 5a। अब अगेन आप देखें हमारे पास अगर आप i5 को देखें वो किसकी इक्वल है, आई नॉट डबल डैश की इक्वल है। तो ये हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि एस वी नो i5 इक्वल टू माइनस i0 डबल डैश। सो इसको अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये इसको अगर आप किसी भी इक्वेशन में इन दोनों में अगर पुट कर लें तो आपके पास माइनस i4 मतलब 2 1a में अगर हम इसको पुट करें ये वाली वैल्यू, तो इसमें पुट करने से आप क्या करें i5 की जगह माइनस i0 डबल डैश पुट करें या माइनस i5 पुट करें इसके हिसाब से, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आपके पास क्या बने, माइनस i4 प्लस 10 माइनस
9 आर डबल डैश माइनस 20 प्लस 5 आई नॉट डबल डैश इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी आई 4 प्लस 5 आई नॉट डबल डैश इक्वल टू माइनस 20। ठीक है, और दूसरे में पुट करने से आपके पास वैल्यू आएगी 6 आई 4 माइनस 4 आई नॉट डबल डैश इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, लेट सपोज आपके पास है 6i4 माइनस 4i0 डबल डैश इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन को अगर हम 6 से टाइम्स करें तो ये बन गया 6i4 प्लस 30i0 डबल डैश, और फिर ये इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 120 बन जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस कट गया, ये आपके पास आ गया माइनस 34 एंड डबल डैश इक्वल टू 120। सो आई नॉट डबल डैश इक्वल टू 120 डिवाइड बाय माइनस 34, अगर आप इसको 2 से करें तो ये क्या बन गया, ये 60 डिवाइड बाय 70। तो ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, आई नॉट हमारे पास 52/17 के इक्वल है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और हमारे पास आई नॉट डबल डैश 60/72। एज वी नो आई नॉट इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट डबल डैश, इसमें पुट करें आई नॉट डैश हमारे पास किसके इक्वल है, 52/17 और ये माइनस 60/17। तो ये तो बड़ा सिंपल है, आई नॉट इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 8/17 एम्पियर, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया माइनस 0.4706 एम्पियर। अब सुपरपोजिशन थ्योरम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको जहन में ये रखना होगा कि कौन सा सोर्स आप ऑफ कर रहे हैं, और फिर वही लूप के अंदर आप वैल्यूज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।